आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में बताऊंगा। आई वॉज सरप्राइज दैट दिस वॉज पब्लिकली अवेलेबल टूल वाइल स्टेइंग इन द यूएई। जैसे आपको पता है कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो, उसमें आपको पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि अगर फ्री हो तो क्या ही बात है। तो यूएई के अंदर अगर आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी है तो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आई रिसेंटली फाउंड आउट, ऑल दो इट वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मुझे नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल है। सो आई थॉट कि आई वुड शेयर इट विद यू पीपल एज वेल। आप सिंपली आप फर्ज करें, आपको पता है एक बिल्डिंग का कि मुझे इस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट आइदर रेंट करना है या इसमें मुझको ख़रीदना है, तो इसकी फ़र्ज़ करें 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स की नहीं क्योंकि इसके अंदर अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, 3-4 ईयर्स का अवेलेबल है। तो अगर आपको 3 और 4 ईयर्स का कोई डेटा इसमें चाहिए तो यू विल ईजली फाइंड इट कि कोई पॉपुलर बिल्डिंग है तो उसका पहले का क्या ट्रेंड था और अभी का 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का, स्टूडियो का क्या ट्रेंड है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर मैं जो आपको डिटेल्स बताऊंगा, एरिया वाइज डिटेल्स बताऊंगा, और आपको जो इसके अंदर टू टिप्स हैं इस टूल की, वो आपको जो पता चलेंगी तो आप डेफिनेटली अपने अगले इन्वेस्टमेंट आइडिया को इस टूल की बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है, पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपका इन दोनों टॉपिक से रिलेशन है या आप इनको पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन में ही मिल जाए। मैं रेगुलरली थर्सडेज एंड संडेज को वीडियो अपलोड करता हूँ 7 PM दुबई टाइम एंड 8 PM पाकिस्तान टाइम। सो प्लीज़ वॉच आउट द स्पेस फॉर मोर वीडियोज़। इसके लिए हमें अपने लैपटॉप पर जाना पड़ेगा क्योंकि आई वुड प्रेफर कि इस ऐप को जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऐप तो नहीं कहना चाहिए, वेबसाइट ही है, क्योंकि ऐप के थ्रू मेरे ख्याल से इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। आप वेबसाइट पर चलते हैं, इसके अंदर गूगल पे आप सर्च करें प्रॉपर्टी फाइंडर सबसे पहले, ठीक है। प्रॉपर्टी फाइंडर आपने सर्च किया, प्रॉपर्टी फाइंडर के अंदर आपको पहले ही उसमें ये मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद आप जाएँ इसके अंदर प्रॉपर्टी, आई थिंक इसमें हाउस प्राइसेस पे चले जाएँ, ठीक है। हाउस प्राइसेस के अंदर जाएंगे आप तो इसमें आपको सर्च बार मिलेगा ये। अच्छा, तो हाउस प्राइसेस के अंदर आप जाएंगे तो हाउस प्राइसेस के अंदर जाएंगे तो आपको दुबई और अबू धाबी दोनों मिलेंगे इसके अंदर। तो अबू धाबी का डेटा आई एम नॉट श्योर हाउ एक्यूरेट इज़ दैट, बट दुबई का डेटा आई हैव सीन माई सेल्फ। अच्छा, इस प्रॉब्ली इस जो पोर्टल है इसके लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये आप यूज़ करें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको रिसर्च के लिए यूज़ करें, इसको 100% आप जो है ना अपनी एनालिसिस का हिस्सा ना बनाएं इन टर्म्स ऑफ बाइंग डिसीजन या जो भी ट्रांजैक्शन का डिसीजन है, वो आप इवेंचुअली आप अपने ऊपर ही रखें और अपने जो जो आपका ट्रैवल जो आपका स्टेट एजेंट है आप उसके थ्रू करें। लेकिन इसके थ्रू आपको कम से कम जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप इसमें एटलीस्ट एक रिसर्च जो आपकी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका डेटा बहुत सारी बिल्डिंग्स का पुराना है या एक्यूरेट, या जो नई बिल्डिंग्स हैं उनका पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप अगेन एज आई सेड कि आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब दोबारा इस पे आते हैं तो इसके अंदर मैं अगर स्पोर्ट्स सिटी का देखता हूँ, स्पोर्ट्स सिटी के लिए मैं अगर इसमें देखता हूँ तो यू कैन सी कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अब इसमें अपार्टमेंट्स देखना है आपको, इसमें 1 बेडरूम देखना है, इसमें कंप्लीटेड या ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, ऑफ प्लान को भी छोड़ देते हैं, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी को देखना है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर एवरेज आस्किंग प्राइस क्या है इसकी, एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, रेंटल प्राइस क्या है इसकी लास्ट 3 मंथ के अंदर, और एवरेज ग्रोस यील्ड इसकी, रेंटल यील्ड क्या है इसकी, क्योंकि इसके अंदर ऑफकोर्स इन्होंने वो नहीं दिया है कि आपका जो मेंटेनेंस फीस है
जो सर्विस चार्जेज हैं किसी भी बिल्डिंग के वो क्या हैं, तो वो अब नहीं पता, तो जब ही इन्होंने ग्रॉस यील्ड इसमें बताई है। अब अगर मैं देखूँ इसमें अपार्टमेंट्स के अंदर, वन बेडरूम के अंदर, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो अच्छा इसके अंदर एक स्केल आप चेंज कर सकते हैं, मैं स्केल हमेशा मैक्सिमम पे लेके जाता हूँ, तो ये डेटा अवेलेबल है मई 2019 से लेकर अब तक का, राइट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट सिटी के अंदर इन जनरल आपके जो वन बेडरूम अपार्टमेंट हैं वो इस वक्त का क्या ट्रेंड है, जो आपकी आस्किंग प्राइस है वो बहुत आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आस्किंग प्राइस वो होती है जो इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड होती है, करेक्ट। जो चीज़ वेबसाइट पे लिस्टेड है तो उनको पता ही है कि क्या लोग क्या चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ये इट कैन वेरी, राइट। और इसके अंदर डेटा सारा प्रॉब्ली होता भी नहीं है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस आपको एक इंडिकेशन दे सकती है, लेकिन वो 100% आपको ये नहीं बताएगी कि आपकी हर ट्रांजैक्शन की ये प्राइस थी। तो फर्ज करें आप 2009 के अंदर 19 में चले जाएं, मई 2019 के अंदर जो आस्किंग प्राइस थी वो 6 लाख दिरहम थी वन बेडरूम की, और जो ट्रांजैक्शन प्राइस थी वो 545K थी, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 55,000 दिरहम का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। इसी को हम अगर आगे ले लें तो एज यू कैन सी, ये जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं इसके अंदर ये प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन जैसे ही हम पेंडेमिक के अंदर जाते हैं अराउंड फरवरी, तो ये बन जाती है प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस है वो तकरीबन 8 लाख के करीब बन जाती है, और विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज अगेन दिस डेटा डिस्क्रिपेंसी कैन बी देयर, बट जो कंसिस्टेंट है वो आपकी आस्किंग प्राइस है। तो अब देखें आस्किंग प्राइस 6 लाख से जो नीचे जा रही है वो अभी हो गई है लेट से 5,30,000, और जो बिल्कुल डिप हुई भी थी वो लेट से 5 लाख, और इसके अलावा भी शायद हो 5 लाख से नीचे, हाँ 4,80,000 भी हुई है, 4,70,000 भी आस्किंग प्राइस हुई है, और आजकल जो चल रही है वो 4,80,000 आस्किंग प्राइस चल रही है, और जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो और कम है, 4,05,000 के करीब है, राइट। ये तो एक एवरेज अमाउंट हो गई आपकी जो लेट से दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर अपार्टमेंट की वन बेडरूम की क्या सिनेरियो बनता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंगली इसके अंदर एक चीज़ और बताऊं कि ये सिर्फ एरिया वाइज नहीं देखता, जैसे मुझे पता है दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर आई नो लेट से इलीट, मैंने बाय द वे स्पोर्ट सिटी के अंदर इलीट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, बिजनेस बे पे भी बनाई थी वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन लेट से मैंने दिसंबर में बनाई थी, तो उसकी प्राइसेस का आपको आइडिया भी हो जाएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे। अगर मैं अभी बात करूँ इलीट स्पोर्ट्स रेजिडेंस की जो बिल्डिंग है दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, सारी आ जाएंगी, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन मैं इन जनरल सारी बिल्डिंग्स की बात करूँ, और इसके अंदर मैं फर्स्ट करें स्टूडियो की बात करूँ, ठीक है, मैं स्टूडियो की बात करता हूँ इसके अंदर, तो अगर मैं इनके ग्राफ्स देखूँ अभी, तो इनके ग्राफ्स देख के आपको आइडिया होगा कि जो 2019 में इसकी एवरेज आस्किंग प्राइस थी वो 4 लाख दिरहम थी, राइट। और अगर अभी देखें तो ये एवरेज आस्किंग प्राइस एंड इसकी जो अभी ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ऑलमोस्ट क्लोज अप हो गई है, वो 2,80,000 के करीब चली गई है। अच्छा मैं बताऊं आपको, तो ये क्योंकि मैं इसको ख़ुद भी फॉलो कर रहा होता हूं इन प्रॉपर्टीज़ को, तो जो मैंने देखा है इसकी मिनिमम प्राइस जो आज तक गई है वो 2,50,000-40,000 भी गई है, लेकिन अगेन वो स्टूडियो पर डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है क्या है। विद इन द बिल्डिंग आपको थोड़ा बड़ा स्टूडियो भी मिल सकता है, थोड़ा कम स्टूडियो, छोटा स्टूडियो भी मिल सकता है, व्यू डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल जनरल ट्रेंड देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर आस्किंग प्राइस 4 लाख से इस वक्त 3 लाख पे पहुंच गई है। इसी तरह ट्रांजैक्शन प्राइस जो पहले 3,20,000 होती थी वो भी तकरीबन 285 के करीब पहुंच गई, जो कि नीचे भी हो सकती है, अगेन इट डिपेंड्स कि कौन सी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं। अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ भी है, जो आप एनुअल रेंट भी देख सकते हैं इसमें, एनुअल रेंट प्राइस, ये डेटा जो आप देख रहे हैं ये ब्रोकन है थोड़ा सा, लेकिन आपको एक अगेन एक आइडिया मिल सकता है इसके अंदर। आजकल मुझे पता है स्टूडियो के जो रेंटल चल रहा है वो 20,000-22,000 दिरहम के दरमियान चल रहा है, तो जो आस्किंग रेट है वो 27 है, लेकिन आई नो कि ये 22, 23, 20 इसके अराउंड जा रहा होता है। इसके अलावा सेल्स पर स्क्वायर फिट भी आ रहा होता है, ये अच्छी फिगर है बाय द वे, इससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि ये आस्किंग प्राइस 876 स्क्वायर फिट पर स्क्वायर फिट दिरहम पर स्क्वायर फिट थी, और अभी ये चली गई है 648 दिरहम्स पर स्क्वायर फिट, तो ये इट्स अ वेरी नाइस टूल। अच्छा मैं इसके अलावा अगर किसी और एरिया की बात करूँ, तो मुझे एक एरिया पता है लेट्स से इंटरनेशनल सिटी का, मैं इंटरनेशनल सिटी को अगर सर्च करता हूँ इसके अंदर, इसी के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स देखते हैं,
तो एवरेज आस्किंग प्राइस करेंटली होल्ड्स अराउंड 2,11,000 और एवरेज ट्रांजेक्शन प्राइस 2 लाख के करीब है। इसी को देखेंगे तो हम मई 2019 से लेकर अब तक जो इसकी प्राइस डिप्रिसिएशन हुई है, क्योंकि अगेन अपार्टमेंट्स के अंदर प्राइस डिप्रिसिएशन हुई है। मैं विला को भी अभी ज़रा चेक करता हूँ कि क्या स्टेटस है इसका, लेकिन इसके अंदर अब अगर अभी हम देखें तो जो एवरेज आस्किंग प्राइस थी 2019 मई के अंदर वो थी तकरीबन 5,60,000, 560K सॉरी स्क्वायर फीट देख रहे हैं हम, सेल प्राइस देख लेते हैं। तो इसके अंदर 2,65,000 की आस्किंग प्राइस थी और 225 की ट्रांजेक्शन प्राइस थी। तो अभी इसके अंदर 2,10,000 की ट्रांजेक्शन प्राइस आ रही है और 2,15,000 की आस्किंग प्राइस आ रही है। तो आप इमेजिन करें, ये स्पोर्ट्स ये सॉरी ये इंटरनेशनल सिटी के अंदर बहुत डिफरेंट डाइवर्स किस्म की बिल्डिंग्स हैं। आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम हेयर बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा डिटेल में चले जाएंगे हम। हम इसको देखते हैं, फर्ज करें अब इंटरनेशनल सिटी के बजाय हम अपार्टमेंट्स की जगह अब हम देखते हैं इसके अंदर विलास को। तो विलास के बारे में मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि विलास की प्राइसेस दुबई के अंदर बढ़ रही हैं आफ्टर पेंडेमिक। तो विक्ट्री हाइट्स बहुत अच्छे विलास हैं स्पोर्ट सिटी के। मैं इसके अंदर विलास सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लेट से 4 बेडरूम सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं ऑफ कोर्स कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट करें मैं फेब्रुअरी मार्च, मार्च वाज द आई थिंक द लोएस्ट पॉइंट। मार्च के अंदर जो आपको 4 बेडरूम विला जो आपकी आस्किंग प्राइस थी वो थी 2.3 मिलियन। आप उसको देखें अभी आस्किंग प्राइस कहाँ पहुँच गई है, 2.4 मिलियन पे, और ट्रांजैक्शन प्राइस भी 2.4 मिलियन पर है। जबकि एक पॉइंट पर ये जब अप्रैल में थी तो ये 1.9 पे भी पहुँच गई थी, जो कि काफ़ी कम है। मतलब अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ द सिचुएशन व्हाट वी हैव सीन इन दुबई। अब इसी तरह अगर हम देखें अरेबियन रैंचेस को, बहुत मशहूर लोकेलिटी है ये भी अरेबियन रैंचेस, तो अरेबियन रैंचेस को देखें, इसके अंदर भी हम देखेंगे बेसिकली विलास को। अगेन लेट्स से 4 बेडरूम विलास को हम देख लेते हैं। 4 बेडरूम विलास की करंट आस्किंग प्राइस इज़ अराउंड 4 मिलियन दिरहम, ट्रांजेक्शन प्राइस है 3.5 मिलियन दिरहम्स, और इसकी अगेन अगेन हम मई 2019 में देखें तो 3.6 मिलियन दिरहम आस्किंग प्राइस थी और इस वक्त ये 3.6 पे ही पहुंचा हुआ है। लेकिन ड्यूरिंग पेंडेमिक आप देखें जून के अंदर ये 3.4 पर था, और इसी तरह मतलब ये प्राइसेस विलास की ऐसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। लेकिन जो पेंडेमिक के टाइम पर जो लोएस्ट पॉइंट हिट किया था वो जुलाई में 3.4 के करीब था, जो कि इस वक्त पहुंच गया 3.6। अगेन एज आई सेड कि ये जो है ना कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव 100% आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा इंडिकेटिव आपको एक आइडिया मिलता है ट्रेंड क्या चल रहा है इसका, किसी भी एरिया का, किसी भी बिल्डिंग का। अगर बिल्डिंग अच्छी कोई पॉपुलर बिल्डिंग है तो उसके अंदर फर्ज करें मैं आई डोंट नो, लेट्स सी बुर्ज खलीफा, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन एंड योर इंफॉर्मेशन एज वेल। बुर्ज खलीफा ये दिस वन, ओके। नाउ ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टाउन हाउस हियर, सेलेक्ट द अपार्टमेंट, विल सेलेक्ट लेट्स से 2 बेडरूम अपार्टमेंट, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसको इसमें आप देखें तो मई 2019 में जो आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस थी वो 3.4 मिलियन थी, और ऑलमोस्ट द सेम प्राइस हेयर, बिकॉज अगेन आई कैन नॉट से मच अबाउट दिस ट्रांजैक्शन प्राइस, लेट सी अबाउट द आस्किंग प्राइस। आस्किंग प्राइस थी, आस्किंग प्राइस बाय द वे, आस्किंग प्राइस का मतलब ये है कि जो लोग लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को अपनी पोर्टल के ऊपर वो कितनी प्राइस मांग रहे हैं उसकी। तो आस्किंग प्राइस इसकी 4.25 मिलियन थी ड्यूरिंग 2019 में, इट वेंट नाउ इट्स अराउंड 3.5 मिलियन। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, डेफिनेटली पैसे कम हुए हैं, जैसे हमने बात की थी पहले कि विलास के पैसे सेम रहे हैं और अपार्टमेंट्स के कम हुए हैं। इवन अ प्लेस लाइक बुर्ज खलीफा उसकी प्राइसेस भी नीचे आई हैं। अगर सेल प्राइस पर स्क्वायर फिट में देख लें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको जो स्क्वायर फिट के अंदर बुर्ज खलीफा की प्राइस पड़ रही है वो मई में पड़ रही थी ये 2,278 दिरहम्स, लेट्स से 2,280 दिरहम्स, और इस वक्त ये आ गई है जनाब 1,992, यानी कि 2,000 दिरहम्स। तो जो डिप्रिसिएशन है इसकी
वो तो नज़र आ रहा है, इंडेक्स के थ्रू ही नज़र आ रहा है कि आपको ऑलमोस्ट कोई 10% की डेप्रिसिएशन है मई से लेकर अब तक, मई 2019 से लेकर अब तक। सो इट्स अ वेरी नाइस टूल एक्चुअली। बेसिकली मैं कहता हूँ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा उसको सेफ गार्ड करें थ्रू रिसर्च, अपनी पूरी रिसर्च करें, बाद में तो अल्लाह मालिक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी एटलीस्ट रिसर्च पूरी करें। रिसर्च के लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं, फ्री टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, पेड टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। पेड टूल्स तो इतने ज़बरदस्त टूल्स अवेलेबल हैं कि आप अपने ड्रिल डाउन कर सकते हैं लोअर लेवल के ऊपर कि एक ये पर्टिकुलर अपार्टमेंट कितने का बिका था या कितने का ख़रीदा था किसी ने कुछ दिनों पहले। आप ये सोचें कि ये इस तरह का डेटा US के अंदर तो इवन आई थिंक कैनेडा के अंदर भी और UK के अंदर ये डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, फ्री टू यूज़ एंड फ्री फॉर एवरीबडी, और ये हर वेबसाइट यूज़ कर रही होती है। UAE के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, लेट से पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आई नो पर्सनली कि ज़मीन.com एक काम कर रही है, ज़मीन.com इस तरह काम कर रही है कि वो अपने जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको डिफरेंट लोकेलिटीज़ के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर भेज रही होती है और मैनुअली ये डेटा फेच कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर तो दुबई में आपको पता है ना कि अगर लेट से 1 मिलियन दिरहम का ये फ्लैट बिका है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार 20 हज़ार दिरहम ऊपर नीचे होंगे इसकी प्राइस के अंदर। बाकी तो जो 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 डिक्लेयर्ड अमाउंट है, जो डिक्लेयर्ड प्राइस है वही होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हाफ का फ़र्क पड़ जाता है, कभी कभी तो 50% का फ़र्क पड़ जाता है एक्चुअल प्राइस के अंदर और डिक्लेयर्ड प्राइस के अंदर। तो यू कैन नॉट ट्रैक लाइक दैट इन पाकिस्तान। सेम गोज़ फॉर US, कैनेडा, वहाँ पर भी अंडर डिक्लेरेशन नहीं होती प्रॉपर्टी प्राइसेस की, तो उसकी वजह से आपको वहाँ पर भी जो है एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा है प्रॉपर वाला। इसी तरह UAE के अंदर भी एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा है प्रॉपर वाला, आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि क्या प्राइसेस थी, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं है, ये पेड डेटा होता है। इसके अलावा लेकिन ये जो आपको प्रॉपर्टी फाइंडर के अंदर जो डेटा मैंने अभी आपको बताया है ये पब्लिक डेटा अवेलेबल है और आप आराम से इसको अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, और फर्दर अगर आपको कोई काम है तो आप उसको ख़रीद भी सकते हैं उस डेटा को। तो लेट मी नो हाउ हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट डिड दिस वीडियो क्रिएटेड फॉर यू, और कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है या उसके बारे में डिस्कस करना है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।